Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है मी टेन यूथ एडिशन 5G चाइना में काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ, क्योंकि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है एंड 5G स्मार्टफोन है। और इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्या क्या खासियत है इस स्मार्टफोन की, वो इस हम वीडियो में जानेंगे, तो पूरी वीडियो देखें। सो हाय गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड यू आर वॉचिंग टेक रूवर्स। बात करें तो यहाँ पे आपको 6.57 इंचेस का एक एमोलेड पैनल मिलता है, जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। जो इसमें आपको 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। ध्यान रखें, ये टच सैम्पलिंग रेट है, जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का ही दिया गया है, कोई 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है। अगर मैं इसमें बात करूँ प्रोटेक्शन में, तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन का दी गई है, तो डेफिनेटली जो स्क्रैच वगैरह होंगे काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट होगा आपका जो ग्लास होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रोसेसर की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन है, तो डेफिनेटली एक मिड रेंज चिपसेट ही होगा इसमें, जो कि 5G कैपेबल होगा। और इस वक्त कोरकुम स्नैपड्रैगन 765G इज क्वाइट फेमस चिपसेट फॉर मिड रेंज स्मार्टफोन, सो इस फोन में भी वही अवेलेबल होता है। काफ़ी अच्छा चिपसेट है, एड्रीनो 620 जीपीयू के साथ आता है। तो और अगर मैं इसके आंतुतु स्कोर भी बोलूँ, तो काफ़ी अच्छे आंतुतु स्कोर देखने को इस फोन में आपको मिलते हैं। अब मैं इसके रैम और स्टोरेज की बात करूँ, तो चार स्टोरेज की, अगर मैं रैम की बात करूँ तो रैम में दो वेरियंट में आएगा, 6 या 8 GB में। अगर स्टोरेज की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 64 से लेकर 256 तक की अवेलेबल होगी, तो 664 देन 6 128 GB, 8 128 एंड 8 256 GB तक के चार वेरिएंट अवेलेबल होंगे। जो रैम है वो है LPDDR4X, और जो कि आपको स्टोरेज मिलेगी वो है UFS 2.1 की। और इस प्राइस रेंज में एक अच्छी भी बात है, क्योंकि हम UFS 3.0 इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज में भी। और अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो 4160 mAh की अच्छी बैटरी दी गई है, एक कॉमन बैटरी है ऑल्दो, मैं अगर मैं बात करूँ, बट ज़्यादातर ये बैटरी एक दिन तक का हमें बैटरी बैकअप अवेलेबल कर देती है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें आपको USB Type-C देखने को मिलेगा, और जो बॉक्स के अंदर होगा ये अच्छी बात है, 22.5 वाट का आपको फास्ट चार्जर अवेलेबल मिलेगा। ऑल्दो देयर आर फोन विच कम्स विद अ मोर बेटर फास्ट चार्जर, जैसे 30 वोल्ट हो गया रियलमी का ही, अगर मैं पोको की बात करूँ तो 27 वोल्ट हो गया, तो उसके हिसाब से भी, लेकिन 22.5 वोल्ट भी काफ़ी अच्छा है। आपको कुछ देखने को नहीं ज़्यादा, मतलब स्पीड होगी तो आराम से 1-1.5 घंटे में आपका फ़ोन आराम से 22.5 वाट में चार्ज हो जाएगा। अब मैं इसके कैमरा, जो इसके मेन ध्यान दिया गया है या फिर एक मेन फीचर बताया गया है शाओमी की तरफ से, क्योंकि इसमें एक 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है, सेकेंडरी सेंसर जो कि वाइड एंगल कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, जिसका जो 120 फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्री का, सो डेफिनेटली काफी ज्यादा आ सकता है, बट 8 मेगापिक्सल का है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अदर देन दैट, जिसको थर्ड कैमरा है वो है पेरिस्कोप जूम सेंसर विच इज एन 8 मेगापिक्सल, जिसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है एंड 50x डिजिटल जूम मिलता है, और ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। अब ये बात है कि इस प्राइस रेंज में 50x तक का डिजिटल जूम देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऑल्दो जो क्लियर जूम मिलेगा वो ऑप्टिकल जूम जो बोलते हैं हम उसे, वो 5x तक आपको देखने को मिलेगा। और जो फोर्थ कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिला है, विच इज सिमिलर जो अदर शाओमी या फिर नो रेडमी की, मैं नोट 9 सीरीज की मैं बात करूंगा, उसमें देखने को मिला। और जो उसमें 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया था। और वीडियोज की बात करूँ तो ये मैक्सिमम 4K at 30 FPS ले सकता है, एंड 1080p आपका ये 120 FPS तक शूट कर सकता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। एंड इस प्राइस रेंज में मैं कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा दिया गया है, एंड 50x डिजिटल जूम इज एक्चुअली क्वाइट अ लॉट। ऑल्दो हमें इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी 50x में डेफिनेटली, बट इतना अवेलेबल है प्राइस रेंज में, विच इज़ गुड थिंग। अब फ्रंट कैमरा विच इज सिमिलर 16 मेगापिक्सल का, जो ज़्यादातर जो रेडमी और शाओमी के फोन में देखने को मिल रहे हैं, वो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिला है, विच इज़ अ नॉच, तो इसमें कोई पंचोल नहीं है, नॉच दी गई है सिमिलरली जैसे हमें Mi 3 में मिली थी, यू नॉच है यू शेप की। अदर देन दैट, इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है, एयर ब्लास्टर देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है इस स्मार्टफोन में ड्यू टू द एमोलेड पैनल, सो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। डिज़ाइन वाइज भी मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, एक अच्छा फ़ोन है, एंड एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आता है MIUI 11 के साथ। अदर देन दैट, इसकी जो प्राइसिंग है
चाइना में जो इस वक्त अवेलेबल है, जो प्राइसिंग हमें है वो 664 के लिए 2099 युआन है, विच अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो 22 to 23 के बीच में आती है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड अगर ये बिग बी, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि इंडिया में लॉन्च होगा नहीं होगा, और होता भी है एंड 25 तक भी 24-25 thousand में लॉन्च होता है तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होगा। एंड देन द मैक्सिमम 8 256 GB है, वो कुछ 2799 युआन में है, मतलब तकरीबन अगर मैं इंडियन रुपीज़ की तो 30 thousand तक में ये फ़ोन मैक्सिमम जो इसका रैम वेरियंट है वो पहुंच जाता है। तो इस प्राइस रेंज में इस वक्त काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, अगर मैं मैक्सिमम स्टोरेज वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसका मिनिमम जो बेस वेरिएंट है 664, वो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है, 22 to 23 के बीच में चाइना में। इंडिया में अगर लॉन्च होता है, क्योंकि इस वक्त कंफर्म नहीं है कि इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा ये स्मार्टफोन, बट बेसिकली मुझे लगता है इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, और शाओमी को इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसा फ़ोन जो थोड़ा अलग हो और काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे अदर स्मार्टफोन को। तो देखना ये होगा कि शाओमी ये लॉन्च करती है नहीं करती, ये तो शाओमी में बात है। आप मुझे बताना आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, आप चाहते हैं इंडिया में आए या ना आए, आपको ये 50x डिजिटल जूम का कंसेप्ट कैसा लगा जो इस फोन में आपको अवेलेबल है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए दिस इज प्रियांशु।